अगर पैर में बहुत ज्यादा है तो मंजिल तो दूर की बात है, चल पाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 10 साल की उम्र में ही मानसी जोशी हो बैडमिंटन से मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत पैशन बनता है और पैशन जुनून में, फिर एक सपना सजा दो ये लड़की जिद बना बैठती है गोल्ड मेडल जीतने की। इस लड़की ने अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया कि जब ये स्कूल में थी तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच जीतने लगी, लेकिन एक हफ्ते में इस लड़की ने अपना एक पैर खो दिया। दोस्तों ये वो सिचुएशन थी जिसमें बड़े से बड़े ताकतवर लोगों के हौसले और सपने धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन मानसी जोशी का मन में विश्वास का दरिया बह रहा था जिसने उसे हिम्मत ना हारने दी और अपने सपने को एक नया मुकाम देने के लिए प्रेरित किया। मन से बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की और उससे ऊपर थी उसकी जिद, इसलिए घटना उसके इरादों को विकसित नहीं कर सकी। 2 महीने हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट चला और एक आर्टिफिशियल पैर जोड़वाया। मानसी फिर से अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। मानसी रुकी नहीं, धीरे धीरे चलना शुरू किया और दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मन में जुनून लिए बैडमिंटन की प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। उसको ये ताकत एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर गोल्ड मेडल लाने के पागलपन से मिलता था। मानसी ट्रेनिंग लेने के लिए कोरेला गोपियन अकेडमी पहुंची और वहां जाकर बोलती है, मुझे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। इस ट्रेनिंग के दौरान तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी दिन रात प्रैक्टिस करके कम समय में मानसी खुद को इतना ट्रेंड कर लेती है कि 2015, 16, 17, 18 चार सालों तक मेडल्स पर मेडल जीतती चली जाती है। समय आता है 2019 का जिसमें पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल जीतकर अपना सपना पूरा करती है। मानसी ने इस संघर्ष से ये मोटिवेशन मैसेज दिया कि सिचुएशन कैसी भी हो संघर्ष करते रहना चाहिए, हमेशा जारी रहना चाहिए, उम्मीद कभी मत छोड़ना और खुद पर हमेशा विश्वास रखना। मानसी आज करोड़ों खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन है। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जीतता वही है जो दौड़ पूरी करने के लिए नहीं बल्कि दौड़ जीतने के लिए दौड़ता है।